सहयोग की नहीं दीजिएगा, ताकत मिलेगा ना। आज चाचा जी पलट गए, हमारे आदरणीय हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। अपने बाप के पास से पैसा ला करके नौकरी का वेतन देगा, ये मुख्यमंत्री जी इस समय कहा करते थे। जब हम 17 महीने उनके साथ रहे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिलाने का काम किया। हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे, हर एक जात के भाई, चाहे अगड़े भाई, चाहे पिछड़ा भाई, चाहे अति पिछड़ा भाई, चाहे मादलिक भाई, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई, भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ। औरंगाबाद में बड़ी जनसभा में दूर दराज से कोने से आए हुए औरंगाबाद जिले के सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावकों का सबसे पहले पैर छू करके प्रणाम करते हैं। माताएं बहने और हमारे नौजवान युवा साथी, आज जहाँ भी नजर जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इंसानों का समुद्र है, और आप लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। बताइए औरंगाबाद की जनता, आगे का जो लड़ाई है उसको लड़े कि नहीं लड़े, हाथ उठा करके बताइए। लड़ेंगे तो ताकत दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, ताकत मिलेगा ना, आशीर्वाद मिलेगा ना, साथ मिलेगा ना। तो आप लोग अगर प्यार और समर्थन आशीर्वाद देते हैं तो ये पगड़ी बांध ले, आप लोगों का सम्मान है, ये आप लोगों के सम्मान अपने सर पर हम बांध लेते हैं। इस पगड़ी का लाज रखिएगा कि नहीं रखिएगा, हाथ उठा करके बताइए। देखिए चाचा जी पलट गए, एक बार नहीं पता नहीं कितना बार पलट गए, अब तो हमको गिनती में भी याद नहीं है। हर 1.5 साल बाद पलट जाते हैं, हर बार ओथ ले लेते हैं, लेकिन हमारा उनके प्रति सम्मान है। वो बुजुर्ग है, अभिभावक है, हमारे आदरणीय है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। आप बताइए क्या नीतीश जी से बिहार चल रहा है? हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात करनी है, बिहार को अव्वल राज्य में ले जाना है। तो उसके लिए विजन चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है बिहार को आगे ले जाने के लिए। अब वो थक चुके हैं, बिहार नहीं चला पा रहे हैं,
आप सब लोगों के बीच आए हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिले। और 2020 में हम लोगों ने वादा किया था कि अगर आप मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम दिलाने का काम करेंगे। इसी गांधी मैदान से हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उस समय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहां से पैसा आएगा नौकरी देने के लिए, अपने बाप के पास से पैसा ला करके नौकरी का वेतन देगा। ये मुख्यमंत्री जी इस समय कहा करते थे, बोलते थे असंभव है। लेकिन जब हम 17 महीने उनके साथ रहे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिलाने का काम किया। केवल शिक्षा विभाग में ही 2 लाख से ज्यादा एक दिन में लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। जरा सोचो, जो व्यक्ति 2020 में कहता था संभव है, नौकरी कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ चलाएगा, जब तेजस्वी 17 महीने साथ आया, मात्र 17 महीने में अगर उप मुख्यमंत्री रहते हुए अगर 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकता है तो अगर एक मौका अगर अपन भाई के देवा बेटा के दीजिएगा 5 साल के लिए, तो सोचो 17 महीने में जब 5 लाख है तो सब 5 साल में सभी बेरोजगार भाइयों का दुख दर्द को मिटाने का काम करेंगे। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय लोगों को देने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोग का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग ताकत दीजिए। हमारी सरकार जब माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए उसके अगले दिन ईडी को भेज दिया गया। हमारे बुजुर्ग पिता को जिनकी तबीयत खराब है, जिनका इलाज चल रहा है, उनको ईडी ने रात रात भर बैठा करके शराब पूछने का काम किया। उसके अगले दिन मेरे को बुलाया गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, लालू जी जब ईडी और सीबीआई और भाजपा से नहीं डरे तो उनका बेटा भी ये दंगा फसाद वाली पार्टी अशांति फैलाने का काम करती है, मजहब को मजहब से लड़ाने का काम करती है। लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका था। एक बार 2024 में बिहार में मोदी जी को बिहार के लोग ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। हर एक चीज का हिसाब होगा। यहाँ के सांसद है भाजपा के, 10 साल हो गया भाजपा के सांसद, 17 साल से भाजपा नीतीश जी का रहा, 10 साल से पीएम मोदी जी, केंद्र में उनका राज, राज्य में उनका राज, औरंगाबाद में उनका शासन। बताओ औरंगाबाद के लोगों, ये भाजपा के लोगों ने तुमको क्या बोला, क्या बदला इनके सामने में, बताइए। कोई कारखाना दिया, क्या नौकरी दिया, क्या महंगाई कम की, क्या गरीबी मिटाया, तो किस बात का इनको वोट दीजिएगा। अब उनको ठेंगा दिखाइए, नौजवानों को ताकत देने का काम कीजिए। आइए मिलके बिहार बनाते हैं, हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। हर एक जात के भाई, चाहे अगड़े भाई, चाहे पिछड़ा भाई, चाहे अति पिछड़ा भाई, चाहे महादलित भाई, चाहे हमारे अचल भाई, सब लोग मिलकर के नया बिहार बनाएंगे, खुशहाली वाला राज बनाएंगे,
तरक्की वाला राज लाएंगे, विकसित वाला राज हम लोग लाने का काम करेंगे। तो साथ है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? भाजपा बचाओ, आप सब बोलिएगा देश बचाओ, भाजपा बचाओ, भाजपा बचाओ, भाजपा बचाओ। अरे लालू जी पटना बुलाए हैं 3 तारीख से, या तो मच दिए आप उठा के बताइए, पट्टा चलना है ना? पट्टा के गांधी मैदान में हम लोग रैली करने जा रहे हैं, जन विश्वास महार रैला, सभी महागठबंधन के साथी हम लोग रैला करने जा रहे हैं। लालू जी की तबीयत ऑपरेशन के बाद इतनी अच्छी नहीं है, डॉक्टरों की सलाह पर उनको ज्यादा घूमने नहीं दिया जा रहा है। पटना आप लोग आइएगा तो लालू जी भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे संवाद करना चाहते हैं, तो आइएगा ना। सरकार से हो जाए लड़ाई लगा ना अपने अधिकार के लिए, तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सभी गरीबों को सीने से लगाना लालू जी के चाहने वाले लोग, राष्ट्रीय जनता दल के सभी समर्थक लालू जी को चाहने वाले लोग, चाहे अति पिछड़ा समाज के लोगों को सम्मान दीजिए, दलित भाइयों को सम्मान दीजिए, दंगा वाले को भगाने का काम कीजिए, सब लोग एकजुट रहिए, मिल करके रहिए। और पट्टा आने में सभी महागठबंधन के नेताओं को हम लोगों ने निर्देश दिया है, सभी लोगों को पट्टा में रुकवाने का व्यवस्था, लेकिन 3 तारीख को नहीं, 2 तारीख को रात में पट्टा पहुंच जाना है, नहीं तो प्रशासन वाला लोग तंग करेगा। चाहेगा तो कैसा हो, रैली को पहुंचना कि नहीं पहुंचना, वही पटना के गांधी मैदान को भर देना है, भर जाएगा। हम लोग नहीं भरेंगे तो और किसी का अपराध नहीं भरेगा, हम लोग मिल करके गांधी मैदान को भरेंगे, वहीं से हम लोग जो है बिजली फूटेंगे चुनाव का। सब लोग मजबूत रहिए, नीतीश जी चाहते हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि साथ में विधानसभा का भी चुनाव कराएंगे, लोकसभा के साथ साथ मुख्यमंत्री चाहते हैं विधानसभा कराएंगे। बताओ ये तीसरे नंबर की पार्टी हो गए तो चाहते कि कैसे चुनाव हो जाए, सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का कंधा बढ़ाया जाएंगे तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा भी खड़ा हो जाए, तो गलत फहमी में है। अगर है हिम्मत तो करा लो, विधानसभा तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लोकसभा में भी फिर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिया, इसलिए सब लोग, आप सब लोग बुलंद रहिए, मजबूत रहिए, एक रहिए, आप लोगों का आशीर्वाद बढ़ा रहे हैं, आपका भाई बेटा आपको आपका भगवान बुलाएगा। हम लोगों ने जाति आधारित गन्ना कराया, हम लोगों ने आरक्षण को 17 महीने में 75% कर दिया, अति पिछड़ों भाइयों का बढ़ा दिया 24% कर दिया, पिछड़ा भाई का बढ़ा दिया, दलित भाई का बढ़ा दिया, आदिवासी भाई का आरक्षण बढ़ा दिया, स्वयं सहायता समूह को
चाहे विकास मित्र भाई हो, टोला सेवक हो, कानून वर्कर्स हो, आज मंदिर महिला हो, सभी लोगों के मान जो को हम लोगों ने आई टी पॉलिसी लाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई, हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी लाई और खेल नीति बताया जो खिलाड़ी भी अगर मैडम मेरे को आ गया है तो उसको भी हमने नौकरी दिया, पढ़ाई करने वाले को भी नौकरी दिया, खिलाड़ी जो मेडल लाते हैं उनको भी नौकरी दिया। तो ऐसा बिहार बने, संपन्न बिहार बने, इसका आगाज हमने कर दिया है और साथ लोगों का साथ चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।